रविवार को नेपाल में हुए विमान हादसे में क्रू समेत 72 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि ये इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। दुनिया भर में ऐसी कई भयानक और रहस्यमयी विमान दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें सैकड़ों लोग पल भर में ही काल के काल में समा गए। इनमें से कई विमान दुर्घटनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं। एक नज़र इस रिपोर्ट पर। एयर फ्रांस फ्लाइट 447, ये घटना 2009 की है। रियो डे जेनेरियो से पेरिस जा रही एयर फ्रांस की उड़ान संख्या 447 सीधे अटलांटिक महासागर में जा गिरी थी। इसमें सवार सभी 228 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के 2 साल बाद अटलांटिक महासागर में 13,000 फीट की गहराई में इसका ब्लैक बॉक्स पाया गया था। जांच में पाया गया कि फ्लाइट की रफ्तार नियंत्रित करने वाला डिवाइस बर्फ की वजह से खराब हो गया था, जिससे पायलट ने विमान पर से नियंत्रण खो दिया था। इजिप्ट एयर 990, न्यूयॉर्क से काहिरा यानी मिस्र जा रहे ये विमान 31 अक्टूबर 1999 को अटलांटिक महासागर में गिर गया था। इस विमान दुर्घटना में एक साथ 217 लोगों की मौत हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में विमान गिरने की वजह से पहले अमेरिका ने इसकी जांच की और मिस्र के पायलट को दोषी माना था। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि मिस्र के पायलट ने विमान को इसलिए गिराया क्योंकि उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में प्रताड़ित किया गया था, लेकिन मिस्र ने इस दावे को मानने से इनकार कर दिया और इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया था। स्टारडस्ट विमान 1947, अगस्त 1947 में ब्रिटेन के स्टारडस्ट विमान ने ब्यूनस एयर से सैंटियागो के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान अचानक ये विमान अर्जेंटीना के एंडीज पर्वतों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लगभग 50 साल तक इस विमान का कोई मलबा नहीं मिला था, जिसकी वजह से ये मामला काफ़ी रहस्यमयी बन गया था। इस विमान दुर्घटना में सभी 11 लोगों की मौत हो गई थी। 50 साल बाद इस विमान का मलबा मिलने के बाद सारी अटकलों पर विराम लग गया था। उर्गवे एयर फ्लाइट 571, 13 अक्टूबर 1971 को उर्गवे से सैंटियागो जा रही फ्लाइट 571 बादलों के काफ़ी नीचे होने की वजह से एंडीज पर्वत से टकरा गई थी। इस विमान में 45 लोग सवार थे, जिसमें से कुछ जिंदा बच गए थे, लेकिन 72 दिनों तक इंडीज पर्वत पर फंसे रहे। जिंदा रहने के लिए इन्हें अपने साथियों का मांस खाना पड़ा था। आखिर में बचाव दल ने 16 लोगों को बचा लिया था। फ्लाइट TW-800, 17 जुलाई 1996 को ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस की फ्लाइट 800 में न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही धमाका हो गया था। धमाके से पूरा प्लेन हवा में आग का गोला बन गया और उसमें सवार सभी 230 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर 2 तरह के दावे किए गए। एक में कहा गया कि इस फ्लाइट पर आतंकी हमला हुआ है, वहीं दूसरे में कहा गया कि फ्लाइट में शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हुआ है।